नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आप लोग अपने चैनल नई सीप में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सीप पनीर रेसिपी दोस्तों आज साबूदाने की खीर, इसे आप नवरात्रि फास्ट में या किसी भी फास्ट में फलाहार के रूप में बना के खा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और इसमें साबूदाने के दाने आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम एक कप साबूदाना लिए हैं, एक तिहाई कप हमारे पास चीनी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे किशमिश, बादाम और काजू, थोड़ा सा मखाना है मेरे पास और एक लीटर दूध है। अब हम दूध को कढ़ाई में डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे रख देंगे उबाल आने तक। जब दूध में उबाल आने लगेगा तो इसे हम चलाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, साबूदाना हमें पहले ऐड नहीं करना है। जब दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, तभी हम इसमें साबूदाना को डालेंगे। और साबूदाना को डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमारा लो है। दूध जब गाढ़ा होने लगेगा दोस्तों तो इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और इसे बराबर हम चलाते रहेंगे। साबूदाना जो है पेनी में बहुत जल्दी चिपकता है तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब हमारा साबूदाना जो पूरी तरह से गाढ़ा हो रहा है, इसमें हम मखाना ऐड करेंगे। मखाना इसमें इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा पक जाए अच्छी तरह से। मखाना डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मखाना लास्ट में भी डाल सकते हो। अब हमारी खीर जो दोस्तों पूरी तरह से बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी तरह से गाढ़ा भी हो चुका है। अगर आपको पतली खीर रखनी है तो पतली खीर भी रख सकते हो, बट हम थोड़ा गाढ़ा खीर रख रहे हैं। इसमें साबूदाने के दाने आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे, इसका मतलब साबूदाना जो है पूरी तरह से पक चुका है और दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे। गार्निश करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं। जैसा कि हम पहले भी बताएं ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट ड्राई फ्रूट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि देखने में और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। हम एक ही करके सारे ड्राई फ्रूट्स को खीर में डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद दोस्तों इसे चम्मच की सहायता से आप अच्छी तरह से मिला लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका खीर। तो गर्मा गर्म खीर को आप गर्म गर्म ही खा सकते हैं या आप उसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद सर्व करिए। ये दोनों टाइप में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।